नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब भी लोग बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो पहला T20 मैच खेला जाएगा उसको लेके हम लोग बात करेंगे। देखिए, 3 ओडीआई मैचेस खेले गए जहां पे इंडियन टीम ने क्लीन स्वीप किया और फर्स्ट रैंकिंग पे आके अपने पायदान को हासिल किया। अब T20 मैचेस की जो सीरीज शुरू होने वाली है, जो कि कल शुरू होगी, जिसका पहला मैच खेला जाएगा 27 जून, यानी कि कल खेला जाएगा 7 बजे। और अगर आप ये वीडियो कल देख रहे हैं, इसका मतलब कल ही ये मैच है। आप ऐसा मत सोच रहा कि ये परसों मैच होने वाला है। अब देखिए, इंडियन टीम एक नई टीम जहां पे ना रोहित शर्मा, ना विराट कोहली, ना केएल राहुल, कहीं ना कहीं देखिए एक परफेक्ट टीम है कि नहीं है, वो भी चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम एज फिलहाल एक परफेक्ट टीम है या नहीं है, वो भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो पिच रिपोर्ट, जो कि रांची में मैच होने वाला है, वो पिच कैसे रिएक्ट करने वाला है। बहुत खतरनाक पिच है और मैं आपको इतनी डीपली पिच रिपोर्ट बताऊंगा कि आपका लफड़ाई खत्म हो जाएगा कि आपको करना क्या है। तो विदाउट एनी सेकंड स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी वीडियो के नीचे देखिए आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, बिकॉज अगर आप लाइक करते हो बहुत मोटिवेशन मिलता है। किसी को भी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक कीजिएगा। और कौन सी टीम मैच जीतेगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आपको जुड़ जाना चाहिए। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए। रोज 5-6 मैचेस हो रहे हैं, उन सभी की टीमें आपको यहां पे मिलती है। बेस्ट एनालिसिस है जो कि आपको वीडियो में मिलता है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू को लेके। जी हां, सबसे पहले है वो वेन्यू को लेके हम लोग बात करते हैं। वेन्यू कौन सा रहेगा? वेन्यू रहेगा यहां पे JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में ये मैच खेला जाएगा। देखिए, वैसे तो बरसात आने की संभावना है नहीं, लेकिन थोड़ा सा वेदर है वो क्लाउडी रह सकता है, जिसकी वजह से सेकंड इनिंग्स में, जी हां सेकंड इनिंग्स में है, वो ड्यू एक फैक्टर बन सकता है। यानी कि जो भी कैप्टन टॉस विन करेगा वो बॉलिंग करने का फैसला ले सकता है, बिकॉज यहां पे सेकंड इनिंग्स में, यानी कि चार्जिंग करते टाइम है, वो थोड़ी सी आसानी रहती है। ये जो सतह है इस वेन्यू की, वो चार्जिंग करने वाली टीम के लिए थोड़ा सा एडवांटेज प्रोवाइड करता है, तो ये एक चीज आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी चीज जो मैं आपको बोलूंगा, देखिए जो रांची की जो वेन्यू है, एक तो मैं डायमेंशन की बात करता हूं। जब हम डायमेंशन की बात करते हैं, जैसा कि लास्ट मैच हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3rd ODI मैच रायपुर में, जहां की डायमेंशन काफी छोटी थी और उसका रिजल्ट आपने देखा कि किस तरीके से अटैकिंग बैटिंग हुई। लेकिन रांची की जो वेन्यूज की डायमेंशन है वो थोड़ी सी बड़ी है, उतनी छोटी नहीं है। आप एक इक्वल मान सकते हो कि आपको 70-75 इस तरीके की डायमेंशन है वो देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज आपको बता दूं कि जो रांची की वेन्यू रही है ना, वहां पे क्या रहा है कि जो थोड़ी सी स्लो गेंदबाजी होती है उनको ज्यादा फेवर करती है। हालांकि ये देखिए फ्रेश विकेट आपको देखने को मिलेगी, पहला मैच काफी टाइम के बाद खेला जाएगा। यहां पे टोटल 7 आईपीएल के मैचेस खेले गए हैं, 3 T20 इंटरनेशनल खेले गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो स्पिन गेंदबाजी होती है उसको, यहां पर क्या लिखा हुआ है इसको आप टाल दीजिए, वो जो स्पिन गेंदबाजी होती है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा एडवांटेज मिलता है, ध्यान में रखना, उसको कहीं ना कहीं ज्यादा एडवांटेज मिलता है। इसके साथ साथ एक बात बता दूं आपको JSC इंटरनेशनल स्टेडियम की, कि देखिए वैसे तो 7 आईपीएल के, 3 इंटरनेशनल और वुमेन्स वगैरह को जब काउंट करते हैं, तो लास्ट अगर हम लोग 20 मैच भी काउंट करते हैं ना, जो 20 मैचेस खेले गए हैं, 20 में से या फिर 28 में से जो भी काउंटिंग है, उनमें से एक मर्तबा ऐसा हुआ है जहां पे फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 200 तक का स्कोर बनाया है। मतलब 200 तक लास्ट 20 से 30
20 जो 28 मैचेस खेले गए हैं 200 के प्लस का स्कोर हुआ ही नहीं है केवल एक मर्तबा। तो यहां पे भी आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो बॉलिंग ऑर्डर है उसको जो प्रोवाइड करती है असिस्टेंस, थोड़ा सा जो स्पिन गेंदबाजी है उनको मदद मिलती है, बाकी ये फ्रेश विकेट है। क्या होगा वो रिसेंट में जब लास्ट पिच रिपोर्ट आएगी वहां पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज आपको बता दूं कि यहां पर जो आईपीएल के 7 मैचेस खेले गए ना, उन 7 मैचेस में क्या हुआ, टोटल 81 विकेट्स गिरी। समझ रहे हो, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। 81 विकेट्स वहां पे गिरी है, जहां पे 44 विकेट्स है वो कैच के माध्यम से पकड़ी गई, और 44 और 25 विकेट्स है जो कि एलबी आउट और बोल्ड हुए हैं। यह चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एलबी आउट और बोल्ड के आपको 8 पॉइंट ज्यादा मिलते हैं। जब कोट आउट आप विकेट लेते हैं तो आपको 25 पॉइंट मिलते हैं, उसमें अगर ऐड हो जाता है एलबी और बोल्ड तो उसमें प्लस 8 पॉइंट ऐड कर दिए जाते हैं, आपको टोटल 33 पॉइंट्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं 81 में से 44 कैच आउट, लेकिन ये 25 का रेशियो भी आप देखिए, ये 25 का रेशियो भी आप देखिए, जहां पे 25 विकेट्स है वो केवल एलबी आउट और बोल्ड, यानी कि कहीं ना कहीं बैट्समैन यहां पे स्ट्रगल कर रहा है। अब इसमें भी आपको एक चीज आपको बता दूं कि जो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं ना, उनको क्या हुआ, उनको केवल 21 विकेट मिली 81 में से, और जो राइट आर्म फास्ट मीडियम या फिर मीडियम फास्ट गेंदबाजी करते हैं उनको यहां पर 50 विकेट्स मिली। तो कहीं ना कहीं राइट आर्म जो मीडियम फास्ट है उनको थोड़ा सा एडवांटेज है, और एक चीज आप ये भी मान सकते हो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज थोड़े से ज्यादा होते हैं। यहां पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे इन्होंने 9 विकेट्स है वो एलबी आउट और बोल्ड से निकाले, और इन्होंने 16 विकेट है वो एलबी आउट और बोल्ड से निकाले हैं। ध्यान में रखना जिस तरीके की ये निकल के आ रहा है, आपको बोनर्स पे भी फोकस करना चाहिए। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि फ्रेश विकेट है, कैसे रिएक्ट करें, बाकी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गेंदबाज को एडवांटेज मिलता है। आईपीएल के 7 मैचेस में भी एक मर्तबा भी 190 प्लस का स्कोर बना नहीं है। बाकी इंटरनेशनल में क्या हुआ है वो भी आपको बता दूं, 3 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, फर्स्ट बैटिंग ने 1 जीता है, चेजिंग करने वाले 2 ने, चेजिंग करना मुझे लगता है थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जो भी कैप्टन टॉस विन करेगा चेजिंग करने का फैसला ले सकता है। 156 का एवरेज स्कोर है, यहां पे देखोगे 150 से नीचे एक बार, 150 से 169 एक बार, और 170 और 189 यहां पे ये काउंटिंग में गलत है, ये एक ही बार होगा क्योंकि ये 3 बार कैसे हो सकता है। तो इंटरनेशनल में भी उतना कुछ खास नहीं हुआ है, आईपीएल में भी 190 प्लस का स्कोरिंग एक ही बार नहीं हुई है, मैक्सिमम जो 7 मैचेस खेले गए 5 में 150 से नीचे की स्कोरिंग ही देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से बैट्समैन है वो यहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वाकई में ऐसा लगा है कि आपने थोड़ा सा डीपली समझा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी यहां से बात करते हैं, जो 3 मैचेस खेले गए हैं लास्ट के उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये मैच देखिए 19 नवंबर 2021 का इन्हीं दोनों टीमों के बीच हुआ, जहां पे न्यूजीलैंड ने 153 किए और इंडिया ने 155 कर लिए, पेसर्स को 7 और स्पिनर्स को 2 विकेट मिले। 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने 118 किए और इंडिया 49 रन पर एल आउट, ये डीएलएस मैथड के कारण इंडिया जीत गया था, पेसर्स को 5 स्पिनर्स को 3। उसके अलावा 12 फरवरी 2016 इंडिया ने 196 किए और श्रीलंका की टीम केवल 127 बना पाई, पेसर्स को 9, स्पिनर्स को यहां पे 6 विकेट मिली। स्कोरिंग देखोगे बढ़िया टीम है, यहां पे भी 150 के आसपास का, यहां पे भी 150 से नीचे का, लेकिन इंडिया ने यहां पर पहले बैटिंग की तो 196 यानी कि 190 प्लस का स्कोर बन गया था। बाकी यहां पे देखोगे तो यहां पे 6 और 3 9 विकेट्स, यहां पे 9 विकेट्स, लेकिन यहां पे आप देखोगे तो 15 विकेट्स गिर गए, थोड़ी सी विकेट्स कंद आपको देखने को मिलेगी यहां पे तो डीएलएस मेथड की वजह से। बाकी थोड़ा सा इंडियन टीम ने यहां पे बेहतर किया है, लेकिन जो बाहर की टीमें आ रही है वो यहां पे स्ट्रगल कर रही है, फोकस करना इस चीज को, वो थोड़ा सा यहां पे है वो स्ट्रगल कर रही है। बाकी यहां पे अगर आप लोग देखोगे लास्ट के 3 T20 मैचेस जो इन दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, ये 2022 न्यूजीलैंड 160 की और इंडिया 75 पर 4, ये मैच टाई हो गया था। यहां पे आप देखोगे तो एक तो डेवन कॉनवे ने 59 कर दिए, फिलिप्स ने 54 किए, चैपमैन फ्लोप रहे थे, सैंटनर फ्लोप रहे थे और इस शोडी को 1 विकेट। इंडिया की तरफ से ईशान किशन फ्लोप थे, सूर्या फ्लोप थे, हार्दिक ने 30 किए, दीपक हुडा नाबाद थे, अर्शदीप सिंह को यहां पर 4 विकेट मिले। यहां पे इंडिया ने 196 किए, न्यूजीलैंड चेस नहीं कर पाया, ईशान किशन एवरेज मान सकते हो, सूर्या ने अच्छा किया, दीपक हुड्डा 4 विकेट यहां पे दीपक हुड्डा ने निकाली, चहल को 2 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट निकाली। यहां पे फोकस करना डेवन कॉनवे,
25 फ्लोप, फिलिप्स फ्लोप, सेंटनर फ्लोप, लॉकी फॉर्मेशन को दो विकेट, इशोडी एक विकेट। अब यहां पे देखना इंडिया ने 184 किए और न्यूजीलैंड इसको भी चेस नहीं कर पाया। ईशान किशन एवरेज, सूर्य कुमार फ्लोप, यजुवेंद्र चहल एक विकेट, डैरी मिचेल फ्लोप, ग्लेन फ्लिक्स फ्लोप, सेंटनर ने यहां पे अच्छा किया, इशोडी को एक विकेट, लॉकी फॉर्मेशन को यहां पे एक विकेट। ओवरऑल देखोगे कंपीट किया है लेकिन इंडियन टीम थोड़ी सी बेहतर नजर आई है और इस वेन्यू पे अगेन आपको ये चीजें शायद देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ एक ईशान किशन स्टार्ट मिल रहा है, बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, यहां पे आप देखोगे 36, 29, यहां पे भी 10 किए। डेवन कोनमैन यहां पे 59 जरूर किए, लेकिन यहां पे एक तो मिचेल सैंटनर का नाम आ रहा है जो फ्लोप दिखे है। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो सूर्य कुमार यादव ने एक में 100 किया, लेकिन यहां पे अगर आप दो जगह देखोगे तो फ्लोप आपको दिखे हैं। बाकी यहां पे इंडिया की प्लेइंग 11 देखिए, ईशान किशन, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पंड्या, दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जहां पे उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। अब समझना आपको टीम बनानी कैसे है, मैं आपको कुछ ग्रैंड लीग की चीजें भी है वो बताऊंगा जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहले ईशान किशन वेन्यू पे नहीं खेले, हेड टू हेड में 19 का एवरेज, फंसे हैं कहीं ना कहीं हेड टू हेड में ईशान किशन। परफॉर्मेंस देखोगे तो रिसेंट में उतनी खास नहीं है, 36 है, 37 है, आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे। देखिए आपको विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे, ओपन करते हुए दिख रहे हैं, जब इंडियन टीम चेज कर रही है उस वक्त आप लोग ले सकते हो। शुभमन गिल है, वेन्यू पे नहीं खेले, हेड टू हेड नहीं खेले T20, परफॉर्मेंस देखोगे ये 45 बड़ी मुश्किल से आया, ये 46, कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट में शुभमन गिल फंसे हैं, स्ट्रगल किया, क्योंकि ये थोड़ा सा अमोंग द ग्राउंड खेलना पसंद करते हैं, ओडीआईज में इन पे थोड़ा सा बर्डन नहीं रहता है, यहां पे अटैक करना पड़ता है। और जिस तरीके की देखिए यहां पे अगर ट्रेंट बोल्ट खेल रहे होते, यहां पे अगर टीम शाउथी खेल रहे होते तो शायद इनके लिए मैं सीधा सीधा आपको बोल देता कि ड्रॉप करके जाइए, बाकी सेफ पिक है, बट कहीं ना कहीं मैं शायद ड्रॉप करके चला जाऊं। बाकी जिस टाइप की पिच है कहीं ना कहीं अगर लो, थोड़ा सा लो पिच दिखा, स्लो पिच दिखा तो वहां पर फिर शुभमन गिल सिंगल सिंगल करके स्कोरिंग कर सकते हैं। राहुल त्रिपाठी वेन्यू हेड टू हेड नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस देखोगे 48-35, रिसेंट में मौके भी मिले हैं, थोड़ा बहुत स्कोरिंग भी किया, लेकिन ये वेन्यू उतना मुझे लगता है कि फेवरेबल नहीं होगा। सूर्य कुमार यादव एक मैच में 1 रन है इस वेन्यू पे, 5 मैच में 46 का एवरेज है, न्यूजीलैंड को खेलना पसंद करते हैं। यहां पे देखोगे 112 है, 51 है, 111 है, तो T20 में अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, थोड़ी सी डायमेंशन बड़ी है, और यहां पे अगर थोड़ी सी भी ज्यादा स्लो विकेट रही तो जिस तरीके की ये आटा टेढ़ा शॉट मारते हैं ना, ये प्रॉब्लम सूर्य कुमार यादव के लिए बन सकती है। मैक्सिमम लोग इनको कैप्टन जरूर करेंगे, बट आपको ध्यान में रखना है हार्दिक पंड्या 2 मैच में 27 का एवरेज 1 विकेट, हेड टू हेड में 9 मैच में 15 का एवरेज 4 विकेट, यहां पे देखोगे इन्होंने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, और इंडियन टीम पहले बैटिंग करेगी तो आप इनको सीधा सीधा है वो कैप्टनसी दे सकते हो। बाकी यहां पे दीपक हुड्डा का नाम आता है, दीपक हुड्डा का देखोगे इस वेन्यू पे नहीं खेले हैं, 2 मैच में 4 विकेट, 9 का एवरेज है, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो अच्छा खासा रहा है। एक चीज ध्यान में रखना, अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है ना, आप दीपक हुड्डा का सिलेक्शन आपको कम दिखेगा, बट दीपक हुड्डा बॉलिंग भी कर सकते हैं, जिस तरीके की रांची की पिच है मुझे लगता है इनको गेंदबाजी मिलनी चाहिए। सामने डेवन कॉनवे है, मे बी यहां पे चैपमैन भी लेफ्ट हैंडी प्लेयर है तो वहां पे अच्छी खासी गेंदबाजी कर लेंगे, तो आपके लिए अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही है आपके लिए ये गेम चेंजर बन सकते हैं दीपक हुड्डा, और शायद उस कंडीशन में मैं दीपक हुड्डा लूं। वॉशिंगटन सुंदर है, इस वेन्यू पे नहीं खेले हैं, 3 मैच में 2 विकेट, हेड टू हेड में उतनी कुछ रिसेंट में खास गेंदबाजी वॉशिंगटन सुंदर से हुई नहीं है, बाकी वेन्यू को देखते हुए स्लो गेंदबाजों को थोड़ा सा फेवर करेगा। अर्शदीप सिंह वेन्यू पे नहीं खेले, 2 मैच में 4 विकेट, हेड टू हेड में रिसेंट फॉर्म देखोगे उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन 2 मैचों में यहां पे विकेट्स है, मैं अपनी टीम में लेके जाऊंगा। उमरान मलिक हेड टू हेड वेन्यू पे नहीं खेले, रिसेंट फॉर्म देखोगे अच्छी खासी है, लेकिन दोस्तों ध्यान में रखना न्यूजीलैंड की टीम पेस खेलना पसंद करती है। दूसरी चीज कि अगर पिच स्लो हुआ तो उमरान मलिक के ओवर कट सकते हैं, और वहां पे क्या हो सकता है, कुलदीप, यजुवेंद्र चहल, अर्शदीप, 3 वॉशिंगटन, 4 हार्दिक और दीपक हुड्डा फिर ये गेंदबाजी कर सकते हैं। बाकी यजुवेंद्र चहल है 1 मैच में 1 विकेट, 13 मैच में 10 है, हेड टू हेड में यहां पे देखोगे तो उतनी खास नहीं है, लेकिन एवरेज गेंदबाजी किया, मैं यजुवेंद्र चहल को भी लेके जाऊंगा और कुलदीप यादव को भी बैलूंगा, बिकॉज स्पिन से न्यूजीलैंड को काफी दिक्कत है। वेन्यू पे 1 मैच में 2 विकेट,
दो में तीन है वो हेड टू हेड में है। रिसेंट फॉर्म देखोगे ओडीआई T20 में बढ़िया नहीं है, ज्यादा खेले भी नहीं है, लेकिन ओडीआई में क्या गेंदबाजी की है इन्होंने रिसेंट में। तो कुलदीप यादव मैं फेवर करूंगा, कुलदीप यादव आप यहां से ले सकते हो। बाकी ऋतुराज गायकवाड़ भी है, पृथ्वी शो, शिवम मावी, जितेश शर्मा, मुकेश कुमार, अगर इनमें से कोई खेले ध्यान में रखना। पृथ्वी शो देखे जो पृथ्वी शो खेले ध्यान में रखना, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे, टिम शाउथी नहीं खेल रहे, तो शायद ये स्कोरिंग कर जाए। ऋतुराज गायकवाड़ का भी वही चीज है। बाकी इनकी प्लेइंग 11 देखे, फिन एलन है, डेवन कॉनवे है, मार्क चैपमैन, डैरी मिचेल, ग्लैन फिलिप्स, मिचेल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर, जैकब डफी, इस शोडी, लॉकी फर्गुसन, ब्लेयर टिकनर। जहां पे लॉकी फर्गुसन, जैकब डफी आपको डेथ में दिखेंगे, वहां पे आपको ब्लेयर टिकनर का भी ओवर देखने को मिल सकता है। ध्यान में रखना इस चीज को, समझ रहे हो? सॉरी, हाँ, तो हम थे फिन एलन के ऊपर, वेन्यू पे नहीं खेले, हेड टू हेड में 1.5 का एवरेज है, दो मैच खेल चुके हैं। रिसेंट फॉर्म देखोगे यहां पे 78 है, बाकी उतना कुछ खास रहा नहीं है। और रांची वगैरह की जो पिच है वो ऐसे बैट्समैन के लिए फेवरेबल थोड़ी सी रहती नहीं है। बाकी आपके लिए डिफरेंशियल पिक बिकॉज ओपन कर रहे हैं, डेवन कॉनवे वेन्यू पे नहीं है, तीन मैच में 43 का एवरेज इंडिया के अगेंस्ट। रिसेंट फॉर्म देखोगे स्टार्ट मिला है, लेकिन थोड़े से बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने में है वो सक्षम नहीं हो पाए है। मैं एज ए सेफ्टी डेवन कॉनवे लेके जाऊंगा। मार्क चैपमैन है, एक में 21 का एवरेज है, चार मैच में 24 का एवरेज हेड टू हेड में। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो इनका भी उतना कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको रहेगी किससे, दीपक हुड्डा को इनके सामने लाया जाएगा, फिर इनको वॉशिंगटन सुंदर इनके सामने लाया जाएगा। प्लेयर शानदार है उसमें कोई डाउट नहीं है। डैरी मिचेल एक में 31 का एवरेज, 11 मैच में 13 का एवरेज प्लस 5 विकेट। रिसेंट फॉर्म देखोगे आप इसको निकाल दो तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की कमी दिखी है डैरी मिचेल में। ग्लैन फिलिप्स इनको मैं लेके जाऊंगा, एक मैच में 34 का एवरेज, 6 में 18 है। रिसेंट फॉर्म देखोगे 62-54, तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्म करते हैं ग्लैन फिलिप्स, जिनकी वजह से आप इनको अपने टीम में ले सकते हैं। तो ग्लैन फिलिप्स को मैं अपनी टीम में लेके जाऊंगा। मिचेल ब्रेसवेल को मैं अपनी टीम में रखूंगा, वेन्यू पे नहीं है, हेड टू हेड में नहीं है, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो T20 में इन्होंने अच्छी खासी गेंदबाजी की है, तो मैं ब्रेसवेल को लेके जाऊंगा। मिचेल सैंटनर एक मैच में 0 विकेट है, 18 मैच में 12 का एवरेज प्लस 16 विकेट इंडिया के सामने। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो उतना कुछ खास मिचेल सैंटनर का T20 में फॉर्म रहा नहीं है। देखिए आप लेना चाहो ले सकते हो सिलेक्शन वाइज, बट शायद मैं इनको ड्रॉप करके चला जाऊं। बाकी इंडियन टीम में राइट हैंड बैट्समैन थोड़े से ज्यादा है, वो एक प्रॉब्लम रहेगी, तो उसको देखते हुए फिर कहीं ना कहीं बैट्समैन को ड्रॉप करके हमें मिचेल सैंटनर को लेना चाहिए। जितना ज्यादा हो मैं स्लोअर पे थोड़ा सा फोकस करूंगा। जैकब डफी है, वेन्यू पे नहीं खेले, हेड टू हेड है, इनका भी आप देखोगे विकेट्स निकालिए, लेकिन वो बल्क में विकेट नहीं मिली। अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो मैं डफी को लेके जाऊंगा। इस शोडी है, एक मैच में 0 विकेट, 17 में 22 है हेड टू हेड में। यहां पे भी देखोगे तो बंदा विकेटलेस तो नहीं जाता यार, कम से कम एक विकेट तो निकाल ही लेता है, तो मुझे लगता है इस शोडी भी एक बढ़िया प्लेयर है, आप ले सकते हो इस शोडी को। ब्लेयर टिकनर है, हेड टू हेड वेन्यू पे नहीं है, 3 मैच में 2 विकेट, हेड टू हेड में। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो इन्होंने अच्छी गेंदबाजी, 4 विकेट, 2 विकेट। बाकी अगर पहले गेंदबाजी करेगी न्यूजीलैंड तो मैं ज्यादा फोकस करूंगा डफी या फिर टिकनर पर। लॉकी फर्गुसन वेन्यू पे नहीं है, 6 मैच में 6 विकेट, हेड टू हेड में। परफॉर्मेंस देखोगे तो थोड़े से विकेटलेस भी गए हैं, लेकिन जब विकेट निकाले हैं तो 2-3 विकेट जब निकालते हैं तो बल्क में निकालते हैं। तो यहां से क्या माना कि अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है ना, ये भी इंपॉर्टेंट, ये तीन मुझे थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। इफ न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट बॉलिंग में, फिर लॉकी फर्गुसन, जैकब डफी, ब्रेसवेल, ये मुझे तीन थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ये भी चीज आपको भी क्लियर कर देता हूं। बाकी बेंच पे मिचेल रिपन है, ये बढ़िया ऑलराउंडर है, बैन लिस्टर है, हेनरी शिल्पी को आपने देखा होगा ओडीआईज में, बाकी डैन क्लेवर ये शानदार बल्लेबाज है, लेकिन थोड़े से एक्सपीरियंस की कमी है। अगर आप इनका फर्स्ट क्लास देखोगे तो अच्छा किया है इन्होंने। बाकी प्लेयर्स बैटल की बात करते हैं, आपको शायद उतना ज्यादा प्लेयर्स बैटल दिखेगा नहीं, लेकिन एक है, एक तो सैंटनर ने सूर्य कुमार यादव को 2 मरतबा आउट किया है, 34 में 40 है। एक यहां पे इस शोडी ने हार्दिक पंड्या को भाई प्रॉब्लम में डाला है, 3 बार आउट, 24 में 18, टोटली स्ट्रगल किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी यहां पे न्यूजीलैंड वर्सेस इंडियन बॉलर्स का देखोगे तो डेवन कॉनवे, अर्शदीप सिंह एक बार, सुंदर ने डेवन कॉनवे को एक बार आउट किया है, उसके अलावा अर्शदीप सिंह ने फिन एलन को एक बार
आउट किया है, 3 बॉल में खाता नहीं खुला। यजुवेंद्र चहल ने 1 बार आउट किया ग्लेन फिलिप्स को। तो ये ज्यादा बड़ा मैचअप नहीं है क्योंकि सारे नए नए प्लेयर्स है, ज्यादा एक दूसरे के साथ खेले नहीं है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब टीम कैसी होनी चाहिए ये दिखा देता हूं आपको। ये देखिए मैंने क्या किया, कोल में रखा, ईशान किशन रखा। अब ये वाइस कैप्टनसी आप यहां से हटा सकते हो, ये वाइस कैप्टनसी आप यहां से हटा सकते हो, ये वाइस कैप्टनसी आप किसको दे सकते हो, ये वाइस कैप्टनसी अगर इंडिया न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो आप ब्रैसवेल को दे सकते हो। फिलिप्स को रखा, सूर्या को रखा, फिन एलन को रखा। आप सीधा सीधा चाहो ना, क्योंकि आजकल वो फीचर आ गया है कि आप केवल एक बैट्समैन के साथ भी जा सकते हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि केवल सूर्या को रख के इन दोनों को ड्रॉप करके आप ऑलराउंडर में मिचेल सैंटनर के साथ जा सकते हो, यहां पे बॉलिंग में फिर इस शोडी के साथ आ सकते हो। ध्यान में रखना इस चीज को, ये चीज कर सकते हो। हार्दिक पंड्या कैप्टन, ब्रैसवेल को रखा, लॉकी फर्गुसन, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। अब अगर मैंने डफी को रखा है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी तो फिर मैं डफी को नहीं रखूंगा, मैं डफी की जगह सीधा यहां पे सैंटनर की तरफ आ जाऊंगा अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करेगी। ध्यान में रखना इस चीज को, ये चीजें आपको अप्लाई करनी है। बाकी ये इनिशियल टीम है, इसमें कुछ चेंजेस पॉसिबल है जो हो सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।